वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में। तो दोस्तों हालांकि बताओगे अभी काफ़ी किसानों को दोस्तों 2000 रुपये भेजा गया, काफ़ी किसानों को दोस्तों ये पैसा 2000 रुपये मिल गया है। लेकिन हालांकि दोस्तों काफ़ी किसानों को पैसा ये 2000 रुपये नहीं मिला है। जब वो स्टेटस को चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर कई ऑप्शन मतलब न्यू भी जोड़े गए, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है लैंड सीडिंग का। यहाँ पर काफ़ी लोगों का यस आ रहा है, काफ़ी लोगों का नो आ रहा है। काफ़ी लोगों को दोस्तों नो आ रहा है तो उनको पैसा नहीं मिला है। दोस्तों मैं इसी के बारे में बताने वाले हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, पैसा किस किस गलती के कारण आपको नहीं मिला है, जिससे इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी अगर पैसा आपको नहीं मिला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दोस्तों मोबाइल का या फिर लैपटॉप का किसी एक गूगल को ओपन करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा पीएम किसान, और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऑप्शन मिल जाएगा पीएम किसान का। इस पीएम किसान के पहले लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप pmkisan.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन आओगे फॉर्म को, उनका नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे एक ऑप्शन और मिल जाएगा आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का। इसी बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद पेज इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में देना पड़ेगा। उसके बाद इस कैप्चे को आप देख रहे हो इस बॉक्स में देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट डाटा पर क्लिक करना पड़ेगा। बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों आपको बताओ स्टेटस में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगी जो भी देखिए दोस्तों, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितनी किस्त मिली वो भी यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग की यहाँ पे देखिए आपसे नीचे न्यू जोड़ा गया लैंड सीडिंग, काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये सारा है, काफ़ी लोगों का नो आ रहा है। जिनका दोस्तों ये सारा उन्हें तो पैसा मिल गया, काफ़ी लोगों का यहाँ पे तो नो भी आ रहा है, उन्हें दोस्तों जो भी है पैसा नहीं मिला है। और यहाँ पे दोस्तों मैं पहले बात करते हैं यहाँ पे नो ये आता क्यों है काफ़ी किसानों का। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका होता है लैंड सीडिंग, यानी दोस्तों जमीन के दस्तावेज होते हैं जिनका सही होता है, जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अप्रूवल होते हैं तो उनका यहाँ पे यस आएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताओगे फिजिकल वेरिफिकेशन कुछ दिन पहले हुआ था, जो पटवारी आपके यहाँ के होते हैं उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, किसानों से जो भी डाटा लिया था, जिन लोगों दोस्तों किसानों का डाटा जो भी है वो यहाँ पे मतलब लिस्ट बन के अगर केंद्र के पास पहुँच गई थी तो उनका यहाँ पे यस आ रहा है। काफ़ी किसान छूट गए थे जो नए मौके पर मिल पाए थे तो उनका यहाँ पे दोस्तों नो आ रहा होगा, तो नो आ रहा होगा तो हो सकता है यहाँ पे आपको दोस्तों पैसा ना मिला हो। लेकिन कुछ लोगों को नो के नो आ रहा है, उन लोगों को भी पैसा मिल गया लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। अगर यहाँ पे नो आपका आ रहा है पैसा नहीं मिला तो यस कैसे कराना है, तो यस कराने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पटवारी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जो भी तहसील में पटवारी बैठते हैं आप कैसे पटवारी से कॉन्टैक्ट करोगे तो उनसे कहना पड़ेगा मेरी दिक्कत है, आपके जो भी दस्तावेज देने पड़ेंगे ज़मीन के, और आपका यहाँ पे दोस्तों जो भी है यस हो जाओगे पात्र होगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी है पैसा आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों जो भी है काफ़ी लोगों का यस आ रहा है, काफ़ी लोगों का नो आ रहा है। दोस्तों आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, लेकिन कुछ गलती के कारण दोस्तों इस प्रकार लोगों से पैसा नहीं आ पाया, काफ़ी लोगों का दोस्तों जो यहाँ पर नो आ रहा है इसीलिए उन्हें पैसा नहीं मिला है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आपको ऊपर आ जाता है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, काफ़ी लोगों का पेंडिंग आ रहा है, काफ़ी लोगों का पैसा सख्त जा रहा है। पेंडिंग दोस्तों उन्हीं का आ रहा है जिन लोगों की यहाँ पे ए केवाईसी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए केवाईसी डन, अगर यहाँ पे नो आ रहा है तो समझ लेना आपके पीएम किसान में केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। अगर केवाईसी नहीं होगी तो यहाँ पे फिर भी आपको पैसा नहीं मिला होगा। देखिए इनकी केवाईसी नहीं हुई है तो इसीलिए इनको भी इस बार 2000 रुपये नहीं मिला। नीचे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए इनकी जो 8वीं किस्त है वो आने वाली थी, इनकी काफ़ी दिनों से वेटिंग आ रहा है और अभी तक इनका जो भी दोस्तों RFT नहीं आया, ना तो FTO आया, क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने KYC नहीं करवाई। KYC आप नहीं करवाओगे तो जहाँ के तहाँ पर आपकी किस्त रुकेगी रहेगी और पैसा आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो ये पहली गलती हो गई, तो अभी तक KYC नहीं करवाई तो KYC आपको करवा लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी मिल जाता है पेमेंट मोड आधार का, अगर यहाँ पे पेमेंट मोड अगर आधार आ रहा होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर अगर आपका अकाउंट आ रहा होगा तो फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। आधार दोस्तों सिर्फ उन्हीं का आता है जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड से कोई भी बैंक अकाउंट यानी NPCI से लिंक है। अब यहाँ पे दोस्तों उसमें पैसा जाता है, यहाँ पे आधार आता होगा तभी पैसा आएगा। अगर अकाउंट आ रहा है तो आपको दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को आधार NPCI से लिंक कराना पड़ेगा, तब जाके पैसा मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से तीनों में से अगर आपकी कोई भी गलती आ रही स्टेट में तो आप अपने स्टेट में प्रॉब्लम सही करवाएं, आपको जल्द से जल्द पैसा मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों पैसा नहीं मिल पाया है। और लैंड सीडिंग में यस नो का जो प्रॉब्लम आ रही मैंने वो भी आपको प्रॉब्लम का समाधान करने का तरीका बताया है। अगर सब कुछ सही है फिर भी आपका दोस्तों यहाँ पर अभी जो है किस्त नहीं आ पाई है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2-3 दिन का किस्त अंदर मिल जाएगी। हो सकता है सरकारी तरफ से किस्त जारी हो चुकी है लेकिन आपको ना मिल पाई हो, आपके खाते में ना पहुँच पाई हो, तो हो सकता है 2-1 दिन के अंदर पहुँच जाए लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पैसा आपको इस 2000 रुपये नहीं मिलेगा, ना तो मिला होगा। तो आप जल्द से जल्द सही करवाएँ जिससे आपको किस्त मिल पाएगी और आपको दोस्तों जो भी है प्रॉब्लम खत्म हो पाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको एक पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों कमेंट करके बताना इस बार आपको पीएम किसान का 2000 रुपये मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया,
तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।